तो चलिए अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर आज पीएम मोदी ने 1718 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि 1780 करोड़ की परियोजनाएं जिसका पीएम मोदी ने, आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरू हुआ है। इस वर्ष के बजट में विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है कि अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे। भाई और बहनों, अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया, सिर्फ अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पिछले वर्ष तिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ, आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाई और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक